Dear students, today we will discuss about the topic biomes or larger ecosystems. सबसे पहले तो ecosystem क्या होता है? Ecosystem. What is ecosystem? देखो ecosystem होता है the segment of nature where the organisms interact with each other and their environment. यानी नेचर की वो सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ नेचर वेयर द ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर आपस में ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं. ऐसी सेगमेंट नेचर की जहां ऑर्गेनिज्म आपस में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड विद देयर एनवायरमेंट. तो ऐसी जो नेचर की सेगमेंट होती है जहां ऑर्गेनिज्म आपस में और अपनी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऐसी नेचर की सेगमेंट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. ये एक स्मॉल वाटर ड्रॉप भी हो सकती है और ये एक लार्ज फॉरेस्ट और इवन ओशन भी एक इकोसिस्टम है. ठीक है, फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है. तो कोई भी ऐसी सेगमेंट नेचर की जहां पे ऑर्गेनिज्म आपस में और अपनी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. अब ये जो इकोसिस्टम है, जो लार्जर इकोसिस्टम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोम्स. जो लार्ज साइज के इकोसिस्टम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोम्स. या हम यू कह सकते हैं कि बायोम्स आर लार्जर कम्युनिटीज. बायोम्स आर लार्जर कम्युनिटीज वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर अडेप्टेड टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस. यानी लार्ज साइज के जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको हम बायोम्स बोलते हैं. या डेफिनेशन अगर हमने बोलनी हो तो बायोम्स आर लार्ज कम्युनिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. लार्ज कम्युनिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना विच आर अडेप्टेड टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ऐसे हम लार्जर कम्युनिटीज को बायोम्स का नाम देते हैं. ठीक है, अब ये बायोम्स जो हैं ये दो तरह के आ जाते हैं. एक आ जाते हैं नेचुरल और एक आ जाते हैं आर्टिफिशियल. एक तो है नेचुरल बायोम्स और एक है आर्टिफिशियल. अगर मैं इनकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में जाऊं तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बायोम्स या नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, ऐसे हम दो कैटेगरीज में इनको बांट देते हैं. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अब ये जो नेचुरल है, अगर हम इनकी बात करें तो दे मे बी टेरिस्टेरियल. ये टेरिस्टेरियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं. तो इनकी दो कैटेगरीज आ जाएंगी फिर, टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक. टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक. अब जो टेरिस्टेरियल हैं उनकी आगे कई एग्जांपल्स हैं, तो जिनमें हम दे सकते हैं टुंड्रा बायोम, ट्रॉपिकल जो है फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स आएंगी. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल टुंड्रा बायोम, फिर
इसके अलावा जो है हमारे पास डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, फिर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड बायोम, इसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट बायोम। तो फॉरेस्ट की आगे फिर डिफरेंट टाइप्स आएंगी, ट्रॉपिकल हैं, टेम्परेट हैं, फॉरेस्ट बायोम्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं टेरिस्टोरियल बायोम। एक्वाटिक में फिर फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर बायोम्स, फ्रेश वाटर बायोम्स और मैरीन वाटर बायोम्स, ऐसे ये दो कैटेगरीज आ जाएंगी। तो फ्रेश वाटर में भी फिर रिवर है, इसके अलावा जो है हम स्ट्रीम्स की बात करेंगे, स्प्रिंग्स की बात करेंगे, ये फ्रेश वाटर बायोम्स आ जाएंगे। और मैरीन में हमारे पास आ जाएंगे ओशनिक एंड एस्टुरीज, ओशंस एंड एस्टुरीज, ये हमारे पास मैरीन बायोम्स की टाइप्स की बात आएगी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ये फ्रेश वाटर बायोम्स के अंदर, और मैरीन के अंदर जो है ओशंस एंड एस्टुरीज। तो ये डिफरेंट काइंड के बायोम्स जो हैं, मेजर कैटेगरीज टेरिस्टोरियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में फिर टेरिस्टोरियल एंड एक्वाटिक, टेरिस्टोरियल में ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्वाटिक में आगे फिर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर बायोम्स, और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी मैरीन वाटर बायोम्स कह लें, इकोसिस्टम्स कह लें, ठीक है, बिकॉज लार्जर इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड एज बायोम्स। फिर इनमें आगे एग्जांपल आ रहे, तो ऐसे फिर आर्टिफिशियल यानी मैन मेड इकोसिस्टम्स और मैन मेड बायोम्स, तो उसमें हम क्रॉप फील्ड्स की बात करेंगे, इसके अलावा एग्रो इकोसिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स हैं जैसे, या फिर कोई आर्टिफिशियली मेंटेन्ड जो हमारे पास कोई पॉन्ड है, या इसके अलावा एक्वेरियम है, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम्स की या बायोम्स की कैटेगरी में आएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स या आर्टिफिशियल बायोम्स। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे टेरिस्टोरियल बायोम्स में डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं तो उनके बारे में। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है या फर्स्ट टाइप है हमारे पास बायोम की, दैट इज टुंड्रा। अब किसी भी बायोम के बारे में हम पढ़ेंगे तो हर एक बायोम में हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, उसमें एक तो लोकेशन यानी वो बायोम वर्ल्ड के किन एरियाज में को कवर करता है और वहां पे फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, और वहां का फ्लोरा यानी वेजिटेशन कैसा है और वहां की एनिमल लाइफ यानी कि फोना कैसा है। तो पोजीशन दुनिया में कहां पे है वो, दूसरी चीज मैंने क्या बोली है, वहां पे फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, रेनफॉल कैसा है वहां का, वहां की जो है मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक किस्म का लैंड एरिया कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, स्नोफॉल होता है या नहीं होता, विंटर कैसी है, समर सीजन कैसा है, ये फिजिकल कंडीशंस में आएंगे। और फ्लोरा एंड फोना, तो उसमें वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ यानी कौन कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उस पर्टिकुलर बायोम के बारे में। तो अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर वन टुंड्रा। टुंड्रा ये एक ऐसा बायोम है, टुंड्रा का मतलब क्या है, नॉर्थ ऑफ टिम्बरलाइन। सबसे पहला जो बायोम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टुंड्रा। तो टुंड्रा क्या है, टुंड्रा मींस नॉर्थ ऑफ टिम्बरलाइन, टिम्बर लाइन, ये टुंड्रा का, टुंड्रा वर्ल्ड का मीनिंग है, नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन। और ये लाई करता है, अगर हम इसकी देखें कि ये कहां पे है ये बायोम, तो इट एक्सटेंड्स अक्रॉस एशिया, यूरोप
एंड नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कहां पे? तो अबव 60 डिग्री, अबव 60 डिग्री नॉर्थ, टुवार्ड्स द नॉर्थ पोल। तो ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये लाई करता है, ठीक है, अबव 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टुंड्रा जो है इसमें 8 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया जो है वो आता है, 8 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया। एरिया जो है ये कवर करता है कहां का? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ऑफ अमेरिका अबव 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये बिलो द पोलर आइस रीजन जो है 60 डिग्री ये लाई करता है। अब इसके अंदर जो है आगे अगर हम बात करें तो प्लेन्स जो होते हैं यहां पे टुंड्रा रीजन के अंदर, टुंड्रा बायोम के अंदर जो प्लेन एरियाज आते हैं दुनिया के, उन प्लेन एरियाज में स्नोफॉल और फ्रोजन आइस थ्रू आउट द ईयर मिलती है। हम इनको पॉइंट वाइज कर सकते हैं कि प्लेन्स ऑफ टुंड्रा रीजन हैव स्नोफॉल और फ्रोजन आइस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इनमें प्लेन एरियाज में स्नोफॉल होती है या बर्फ जमी रहती है। दूसरा एनुअल जो हम ये कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि एनुअल रेनफॉल स्नोफॉल, ये क्या है जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं? तो एनुअल एवरेज जो प्रेसिपिटेशन है दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम यहां पे पूरे साल में प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि पानी जो है वो बर्फ की फॉर्म में, इन स्नो की फॉर्म में या जो है वाटर की फॉर्म में वो गिरता है। फिर है लाइट यहां पे पोअर होती है और टेम्परेचर जो है वो विंटर सीजन में, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो विंटर एक्सट्रीमली कोल्ड होती है और विंटर में -30 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो इतना लो टेम्परेचर हो जाता है। पुअर लाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, लाइट जो है वो कम अवेलेबल रहती है और ये टेम्परेचर जो है वो इतना विंटर सीजन में होता है। समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये समर सीजन में समर टेम्परेचर ये 10 डिग्री सेल्सियस, और ये भी समर सीजन लगभग 60 डेज, लगभग 60 डेज का होता है समर सीजन, यानी 2 महीने का, बाकी तो पूरा साल भर जो है वो विंटर सीजन ही है। फिर आते हैं एनुअल प्रोडक्टिविटी, अगर टुंड्रा रीजन की देखें तो टुंड्रा रीजन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है, 200 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर, 200 किलो कैलोरीज प्रोडक्टिविटी, 200 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर, ये
यहाँ की प्रोडक्टिविटी है, तो काफी लो प्रोडक्टिविटी जो है इसमें रहती है। बाकी अगर हम इसमें देखें कि वेजिटेशन की बात करें, यानी कि प्लांट्स की बात करें, तो मेनली जो है इस बायोम में हम देखेंगे तो लाइकन्स मिलते हैं, मॉसेस मिलते हैं, सेजेस मिलते हैं, ग्रासेस मिलती हैं, रेयरली ट्रीज, ट्रीज जो हैं वो रेयरली एब्सेंट होते हैं। क्या चीज मैंने बोली है? तो अगर फ्लोरा की बात करें यानी वेजिटेशन की बात, तो पहले हमने पोजीशनिंग कहां पे है, नॉर्थ ऑफ टिम्बरलाइन बिलो पोलर आइस रीजन अबव दी 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, वहां पे ये लोकेटेड है। यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के रीजन इसके अंदर आते हैं, टुंड्रा बायोम के अंदर। फिर वहां पे फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, कितना विंटर में टेम्परेचर रहता है, कितना समर टेम्परेचर रहता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कितनी है। और अब है फ्लोरा यानी वेजिटेशन, तो रेयरली ट्रीज, रेयरली ट्रीज, ट्रीज जो हैं वो रेयरली पैदा होते, मोस्टली क्या है तो रेंडियर मॉस, ये एक मेन मॉस है जो प्रेजेंट होती है। दूसरा इसके अंदर जो है सेजेस, ग्रासेस, सेजेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, मॉसेस होती हैं, ठीक है, इस तरह की वेजिटेशन जो है वो इसमें ज्यादा है। और रेडियल मॉस जिसकी मैंने बात की है वो बेसिकली एक लाइकन है, तो ये लाइकन्स होते हैं कुछ एक, तो ये इनकी वेजिटेशन में आया। दूसरा है बैतुला वगैरह के कुछ स्मॉल बुशेस होते हैं, और सैलिक्स स्मॉल बिलो जिसको बोलते हैं, तो बैतुला एंड सैलिक्स ये दो मेन प्लांट हैं तो यहां पे इसके फ्लोरा में, टुंड्रा रीजन के फ्लोरा में आते। अब फोना की बात करें यानी एनिमल लाइफ की बात करें, तो एनिमल्स मेनली जो इसके अंदर मिलते हैं टुंड्रा बायोम के अंदर, तो उसमें जो है इंसेक्ट्स हैं लाइक मॉस्किटोस एंड बाइटिंग फ्लाइज, बाइटिंग फ्लाइज, इसके अलावा मॉस्किटोज, बर्ड्स जैसे स्नो आउल, फोना में यानी एनिमल में तो बाइटिंग इंसेक्ट्स ये मेनली मिलते हैं, प्लस इसके अलावा स्नो आउल, फिर स्नो इसके अंदर अगर और देखें हम तो इसमें स्नो ग्राउस और माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह, मैमल्स में स्नो ग्राउस ये भी एक वर्ड है, मैमल्स में देखें तो स्नो ऑक्स ये मेनली है, रेंडियर मिलता है, रेंडियर की भी एग्जांपल दे सकते हैं, मस्क ऑक्स, ठीक है, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक फॉक्स, ठीक है, फिर कैरिबू, ये कुछ इस तरह के मैमल्स हैं जो इसके अंदर मिलते हैं। पोलर बेयर भी यहाँ पे मिलता है, वीजल्स मिलते हैं, पोलर बेयर, पोलर बेयर, ठीक है, देन इसके अलावा जो है वीजल्स, कोई एम्फीबियंस नहीं मिलते, कोई रिप्टाइल्स नहीं मिलते,
माइग्रेटरी मैमल्स कैरिबू और रेंडियर जैसे माइग्रेटरी मैमल्स इसके अंदर मिलते हैं। तो ये हमने फर्स्ट बायोम की अभी बात की है जिसका कि नाम क्या है, टुंड्रा। टेरिस्टेरियल बायोम्स में हमने टुंड्रा की सबसे पहले बात की। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो बायोम है दैट इज जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट बायोम। अगर हम लें तो फॉरेस्ट बायोम्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं फॉरेस्ट बायोम्स में, और उनमें हम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अलग अलग हैं हमारे पास ये, तो उसमें नदरन कॉनिफ्रस और टेम्परेट निडल लीव्ड फॉरेस्ट। टेम्परेट निडल लीव्ड फॉरेस्ट, नदरन कॉनिफ्रस फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट बायोम की बात करेंगे अब, तो फॉरेस्ट बायोम्स में आगे कई टाइप्स हैं, तो उनमें सबसे पहले है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको हम टियागा भी बोल देते हैं, टियागा, टियागा। तो ये टियागा क्या है, टियागा क्या है, ये टियागा जिसका दूसरा नाम होता है टेम्परेट निडल लीव्ड फॉरेस्ट। टेम्परेट नीडल लीव्ड फॉरेस्ट, और इसको हम टेम्परेट या नदरन कॉनिफ्रस फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। तो ये कहां पे लाई करता है, तो ये कॉमनली इट कवर्स साइबेरिया रीजन, ये साइबेरिया रीजन को कवर करता है, और लगभग 10% ऑफ लैंड मास ये कवर करता है, मेनली साइबेरिया 10% ऑफ लैंड इट कवर्स अबाउट 10% ऑफ लैंड पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो। और ये लाई करता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ ऑफ टुंड्रा ये लाई करता है इन बिटवीन दी 45 डिग्री एंड 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये मैंने क्या बोला है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के जो एरियाज लाई करते हैं साउथ ऑफ टुंड्रा में इन बिटवीन दी साउथ ऑफ टुंड्रा इन बिटवीन दी 45 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इस लैटिट्यूड के बीच में 45 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ के बीच में दैट इज साउथ टू टुंड्रा, जिसमें एशिया यूरोप के रीजन आते हैं, मेनली साइबेरिया का रीजन आता है, और ये 10% लैंड एरिया को कवर करता है। तो ये तो होगी इसकी पोजीशनिंग टैगा की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेट निडल लीव फॉरेस्ट। ठीक है, अब इंडिया में अगर हम देखें, अपनी कंट्री की अगर हम बात करें, तो इसमें आता है हिमालयाज ओवर 1700 टू 3000 मीटर्स एल्टीट्यूड। 1700 से 3000 एल्टीट्यूड
का जो हिमालयास का रीजन है, तो हिमालयन रीजन विच लाइज अबव द एल्टीट्यूड 1700 टू 3000, वो एरियाज इंडिया के टैगा के अंडर आते हैं, टेम्परेट निडल लीव्ड फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। अब आते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो प्रोडक्टिविटी इसकी जो होती है, जहां टुंड्रा रीजन की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 200 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर थी, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो है 2000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर। तो इसकी प्रोडक्टिविटी हायर है एज कंपेयर टू टुंड्रा रीजन। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कि विंटर रीजन में यहां टेम्परेचर जो है वो काफी लो होता है, समर सीजन थोड़े समय के लिए होती है, विंटर रीजन जो है लंबे समय के लिए होता है, और विंटर रीजन में जो एवरेज टेम्परेचर है विंटर सीजन में वो 6 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर, और समर में 15 डिग्री सेल्सियस। समर सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, विंटर सीजन लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर समर सीजन में 15 डिग्री सेल्सियस और विंटर सीजन में 6 डिग्री सेल्सियस, इसके ये एवरेज टेम्परेचर। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो है वो 10 टू 35 सेंटीमीटर इन दी ड्राई एरियाज, और जो वेट एरियाज हैं, ये मैं ड्राई एरियाज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम यही वेट एरियाज की बात करें तो वहां 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो है वो वेट एरियाज के अंदर होता है। ठीक है, कई सारे लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, बॉग्स प्रेजेंट होते हैं। सॉयल यहाँ की मोस्टली एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक होती है, पोअरली ड्रेन्ड होती है, और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली निडल टाइप के लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होने के कारण यहाँ की सॉयल अक्सर जो है वो कवर्ड रहती है, या फ्लोर जो है वो कवर्ड रहता है विद निडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स और मिडल शेप्ड लीव्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें, यानी वेजिटेशन की बात करें, तो वेजिटेशन में जैसे मैंने बोला कि मोस्टली इसमें क्या है, ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके निडल लाइक लीव्स होते हैं, और निडल लाइक लीव्स हम जानते हैं कि कॉनिफरस फॉर जो प्लांट्स होते हैं, कॉनिफर्स जो होते हैं उनमें निडल शेप्ड लीव्स मिलते हैं। तो इसका मतलब यहां पे इस बायोम के अंदर जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, वो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिसमें सिड्रस है, सिड्रस, डियोदारा, इसके अलावा पाइनस की डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, साइप्रस की डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी, और इसके अलावा जो है एबीज प्लांट की, सिल्वर फर जिसको बोलते हैं, एबीस, फिर साइप्रेस, तो ये प्लांट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से इसको जो है हम नदरन कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि कॉनिफर्स जो हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो है एक्सपरंट ब्रांचिंग होती है, या एक्रोपेटल मैनर में इनकी ब्रांचेस होती हैं, तो कोन लाइक शेप बनती है, लोअर ब्रांचेस लॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू अपर ब्रांचेस। फिर अगर हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़े तो स्ट्रेटिफिकेशन हुई होती है इन फॉरेस्ट के अंदर, स्ट्रेटिफिकेशन हुई होती है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग हुई होती है, कि जो सबसे ज्यादा हाइट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी एक लेयर होगी, फिर उससे छोटे प्लांट्स जो होंगे उनकी एक लेयर होगी, फिर उससे छोटी हाइट वालों की एक और जो ग्राउंड लेवल पे होंगे उनकी
एक लेयर। तो ऐसे चार पांच लेयर जो हैं वो प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स जो हैं वो लेयर्स बनी होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। एनिमल्स की बात करें तो इसमें मेन एनिमल्स जो मिलते हैं उसमें माउस डियर है, मस्क। फौना की बात करें तो इसमें क्या है, माउस डियर, फिर इसके अंदर जो है मैमल्स हैं मेनली, तो माउस डियर है, मस्क रैट है, मस्क रैट, पाइन माउस, पाइन माउस ये भी प्रेजेंट होता है, फिर स्क्वेयर्स होती हैं, रैबिट है, पॉर्कुपाइन, पॉर्कुपाइन, पॉर्कुपाइन स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, कॉमनली प्रेजेंट हैं, डियर है, डियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ लिजर्ड्स और स्नेक्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ग्राउज वगैरह मिलते हैं बर्ड्स में अगर हम देखें, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स मेनली मिलते हैं। तो ये एनिमल्स के बारे में इसके अंदर, तो ये दो तरह के हमने बायोम्स की बात की है, पहला टुंड्रा और दूसरा टैगा या जिसको टेम्परेट नीडल लीव फॉरेस्ट बोलते हैं या नदर कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये नाम भी इसको देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, पर्टिकुलरली कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी कॉनिफर्स के ज्यादा मिलने के कारण। तो ये इतनी हम इसमें बात करेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट बायोम जो है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।